हो रहा है 5, हाँ 5 बज रहे हैं। 5 बजे मैंने कपड़े धोए हैं, धुल गए सारे, मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। देखो पसीना धुल गए हैं, बेडशीट रह गई, निकालो फिर दिखाती हूँ। तो ढेर सारे कपड़े धुल गए हैं, पानी टपक रहा है सब में, अभी धोए हैं, पानी निकाल दूँ। ये देखो यहाँ पे ना कचरा जमा हो जाए ना तो यहाँ पानी पानी हो जाता है और बाथरूम में सांस फूल जाती है। ये सारा उठा के रख देते हैं, हो गया। बच्चे सो रहे हैं, बच्चों को उठाना है जाके, शाम की चाय बनानी है। और यहाँ पे थोड़ा बातें भी होती जा रही हैं और काम भी। साबुन ना का सफ़ेद सफ़ेद चिपक जाता है। पानी की आवाज़ आ रही होगी ना, चलो तो चलते। देखो सूर्य देवता जा रहे हैं, बाथरूम का गेट बंद कर देती हूँ और नीचे चलते हैं, चाय वगैरह बनाएंगे शाम में। सूख जाएगा अभी, इस तरीके से कर दिया सारा पानी, धीरे धीरे जाएगा, एकदम से नहीं जाता, फिर चलना जाए बस धीरे धीरे आहिस्ता। थोड़ा सा पूरा पैर नहीं आता ना, छोटा जीना, तो इस वजह से अब सही दिख रहा है। तो चलिए बच्चों को उठा दे, चाय बना दे, खिड़की हम खुली रखते हैं क्योंकि घर में से गर्मी ना हो निकलती है। वैसे तो इस टाइम तक मौसम अच्छा हो जाता पर इस बार तो हुई नहीं, इस बार तो गर्मी ही गर्मी है। एडजस्ट फैन चला देती थोड़ी देर, लाइट भी इसके साथ कनेक्ट करते उजाला हो जाता है। तो यहाँ पे आके किचन में लग गई हूँ और यहाँ पे वो कल मैंने जैसे ही बताया, आज पीछे वाली गली में गणेश विसर्जन है पर मैं नहीं जा पाई। थोड़ी सी मतलब जब वो कीर्तन वगैरह हो रहे थे तब नहीं जा पाई, जब वो उनको मतलब लास्ट विदाई दी गई ना तो मैं भारी भार से जैसे गली में लेके आ जाते वहाँ तक मैं जाके हाथ जोड़ के आ गई, नहीं हो पाया। एक तो उनका टाइमिंग नहीं सही था ना इस वजह से, और आज उनका कल मतलब हवन है यहाँ, तो मैं बस हाँ जो सभी गली वाले नहीं जा पाए क्योंकि उस टाइम ट्यूशन का टाइम होता है और स्कूल से आते हैं तो नहीं हो पाया, हम आए तब तक ख़त्म हो गया था तो इस वजह से रह गया। तो यहाँ पे आके मैंने फटाफट से सारे बर्तन निकाले, बर्तन धोने लगी हूँ और बर्तन जो धुले हुए हैं वो मैं सेट करने लगी हूँ क्योंकि फैला हुआ एकदम से सामने किचन रहता है ना। देखिए वहाँ पे किराए पे रहते थे तो कोई नहीं, अभी तो गली में कहीं कोई किसी चीज़ के लिए बुलाने आता है कहीं कोई, तो अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं लगता, अच्छा भी लगता पर उसके हिसाब से घर भी रखना होता है। अब पीछे वाले वही आके बैठ जाते हैं तो उस हिसाब से रखना होता है। कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाता भाई, नहीं हो पाता, पर मैं देखती हूँ जब सभी का हो जाता है। तो बस फटाफट से आके मैंने ऊपर से चाय बनाई, सर में दर्द हो रहा था इतनी तेज़, वैसे इस टाइम सितंबर में अच्छा मौसम हो जाता था पर अभी तो आप कहो मत, बिल्कुल अच्छा मौसम नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आ जाइए चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद ये गद्दे उठा दिए क्योंकि दोपहरी में यहीं पर बैठते हैं, और वंशु दूध लेके आ गई है, मुझे दूध गर्म करना है और सामने दिखी रहा है। और जूतों चप्पल से इतना रेत आता है पैरों में, सिर्फ रेत ही रेत चिपकता रहता है, दांत की सकते मेरा चिड़चिड़ापन आ जाता है, चाहे मुझे 2 बार या 3 बार झाड़ू लगाना पड़े फिर मैं लगाती ही हूँ। सीढ़ियों पे मैंने झाड़ू लगा दिया है, पोंछा मार दिया। अच्छा मैं रोज़ सीढ़ियों पे झाड़ू पोंछा नहीं करती हूँ, 2 दिन में 3 दिन में जैसे मुझे गंदी दिखती हैं उस तरीके से ही साफ़ करती हूँ। खिड़की पे मैंने झाड़ू मार दिया था और पोंछ भी दिया, और ये कलर आपको पता है पेंट वाला है तो मैं दीवार पर भी धुला हुआ अच्छा सा कपड़ा मार देती हूँ जिसके दाग धब्बे हों वो भी हट जाए। तो ऊपर से सारी सीढ़ियाँ साफ़ कर लाई थी, धूल मिट्टी हो जाती है और तो क्या, स्कूल से आते वो पैर रख देते तो वो हो जाते हैं, तो 2-3 दिन में साफ़ करती तो साफ़ सुथरी रहती हैं।
तो ये मेरा हो गया है, तो बस आराम आराम से कर रही हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मुझसे जल्दी जल्दी सीढ़ियों का काम मैं नहीं करती हूँ, डर की वजह से कि फिर से गिर गिरा गई तो काम बिल्कुल ही रह जाएगा, तो क्या मतलब है इससे बढ़िया। और ये मोबाइल वंशिका पकड़ रखी है, हाथ उनका देख ही सकते हैं, तो मेरी सीढ़ियाँ देखी चमक गई। अच्छा, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे ये इतनी बातें ये क्यों हंस रहे हैं, तो भैया हमारी शर्त लगी थी एक तो पर्दे की, कि पर्दा टांड पे आएगा या नहीं आएगा, छोटा है 500-500 रुपये की, और बोल रहे थे कि काम करने में कौन जीतेगा, देख मैं पूरे दिन बाहर काम करता हूँ और तू, तो मैंने भी बोला मैं भी तो सुबह 5-5:30 बजे से रात के 12 बजे तक लगी रहती हूँ, और तब भी आप बोलते हो ये रह गया वो रह गया, तो मैंने बोल दिया नहीं भाई मुझे आपके 500 रुपये नहीं चाहिए, मैं शर्त हार गई, नहीं भाई अब मुझसे नहीं होगा, बस आप खुद ही कर लो इससे आगे नहीं, 12 बजे के बाद मतलब कौन इतना होगा, नींद आने लग जाती है मुझे। तो ये देखिए आपके सामने, ये देखिए पर्दा लेके आ गए हैं, शर्त मैं ही जीती थी, क्योंकि ये देखिए नीचे कपड़ा काफ़ी ज़्यादा बच रहा है, लंबी पर्दा लगाऊंगी तो ये देखिए फोल्ड करेंगे पाइप के लिए तब भी बहुत अच्छे से आ जाएगी, पर मैं ये शर्त जीत के भी हार गई, क्योंकि बोल रहे थे कि वो मेरे एक दो कपड़े हैं वो धो के आ जा, 11-12 बजे का टाइम, मैं यार इतना नहीं हो पाया, मैंने बोला अब सुबह अब नहीं हो पाया, कि हम लोग तो थकते नहीं, मैं थक जाती हूँ मुझसे नहीं होगा, तो बस ये देखिए अब ये पर्दे अभी नहीं सिलूँगी, बस मैंने चेक किया था टांड पे पर्दा आ जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया टांड पे पर्दा नहीं लग पाया, फिर इन्होंने गेट से भी नापा, इनको तसल्ली नहीं हुई, फिर उन्होंने गेट से बेड से नापा, आप लोगों ने देखा सब कुछ अपने के सामने, तो चलिए कोई नहीं, मैं शर्त जीत के भी हार गई, पर कभी कभी हार के भी मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पे शाम की दिया बाती हो गई है, मंदिर में धूप बत्ती जला दी, यहाँ तुलसी मैया के आगे दिया जला दिया है, मंदिर की वीडियो नहीं बन पाती क्योंकि मंदिर ऊंचा है ना तो नहीं हो पाता है, तो चलिए खाना पीना बनाते हैं। यहाँ पे भिंडियों को धो लिया था फटाफट से, वंशिका की मर्जी थी कि मम्मी भिंडी बनाओ, तो मैंने बोला ठीक है भिंडी बना देते हैं, पता है हमारे ये कहते हमारे ये क्या कि हम लोग बाहर इतनी धूप में गर्मी में काम करते, तुम लोग हाल थक जाते हो, जैसे आप पता है वैसे तो मेरा काम हो जाता है कोई लेट नहीं होता, पर जब स्कूल से आती हूँ ना तो जैसे मैंने कपड़े अपड़े धोए हैं और वो किया है, और जैसे वंशिका की स्कूल के कपड़े धोए हैं तो प्रेस के लिए, उन्हीं में मेरा टाइम लगता है, और रात को किचन जैसे खाना हम लोग बना तो मेरा 9-9:30 बजे तक बन जाता है, फिर बर्तन अर्तन धोते और ये सब करते तो मेरा 11-12:30 ऐसे बच जाता है, नहीं तो मेरा हो जाता है, और रात को ही कपड़े इस्त्री करती हूँ क्योंकि फिर शनिवार को मैं लेट कपड़े धो पाती हूँ, स्कूल से थक जाती हूँ तो आके 3-4 बजे, जैसे कि आज मैंने 5 बजे से ब्लॉग स्टार्ट किया था, इस तरीके से हो जाता है, नहीं तो कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, पर ज़्यादातर 11-11:30-12 बजे ही मैं फ्री हो पाती हूँ, क्योंकि अगर रात को किचन और ये बर्तन और कपड़े प्रेस के नहीं किए तो फिर सुबह बहुत भागम भाग हो जाती है, इस वजह से ये आप लोग बोलें क्या, और वैसे भी नॉर्मली गर्मियों में तो सभी के 12-12:30-11 बजते हमारी गली में सभी के, क्योंकि सब किसी के हस्बैंड 9:30 बजे आते, किसी के 10 बजे, तो खाते पीते 12 तो नॉर्मली है तो चलता है, और फिर हाँ इनका जैसे ये अपना गमछा लेके जाते हैं वो पसीना पहुँचने के लिए, ये आते फिर वो धो के डालती हूँ, फिर रात में ही वो उठा के लाती हूँ, फिर थोड़ी देर बैठी रहती हूँ छत पे, हवा चलती है, पड़ोस में आ जाती है वो बातें करते रहते हैं, तो ये सब चलता है, अच्छा भी लगता है। यहाँ पे ये पर्दे जो मैंने लगा के दिखाए थे वो तय करके रख दे रही हूँ, इन पर मशीन चलाऊँगी पर अभी नहीं, जब टाइम हो जाऊँगा, और अभी पर्दे नहीं लगाने वाली क्योंकि उसका पाइप नहीं है, पाइप आएगा तभी पर्दा लग पाएगा। तुम्हारी भिंडियाँ जब तक बनेगी तब तक हम बाकी का काम देख लेते हैं, फटाफट से छोंक दी थी और धीमी धीमी आँच पे वो हमारी बन रही हैं, और ये देखिए ब्लूटूथ मंगाया था मैं, काम करते करते इसको ना चला लेती हूँ। अच्छा ये माइक्रोनी बनाया रही हूँ थोड़ी सी वंशिका के, आज वंशिका के ही मन का बन रहा है, वो टिफ़िन में ये लेके जाएंगे, स्कूल नहीं है उनका, बस वो डांस प्रैक्टिस वगैरह डांस होगा उनके स्कूल में, तो उसके लिए उबाल ली, उधर दूध गर्म हो गया है और जीरा डाल के प्याज डाल के, बस नॉर्मली सॉस कुछ नहीं था, बस फटाफट से लेट हो रही थी, फटाफट से छोंक दिया, और अभी देखना खुद ही वो टिफ़िन रख लेंगी, मैं जब तक बाहर जाऊंगी उनके कप वो उतारने के लिए सॉक्स, तब तक वो अपने वो रख लेंगी,
तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला मैंने कल ही लिया था, बड़ा अच्छा गरम मसाला है। गरम मसाले के बिना मुझे ना सब्जी अधूरी अधूरी सी लगती है। तो बस नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, इसको मिक्स करके हमारी उबली वो डाल देंगे पास्ता। पास्ता अलग होता है, पास्ता गोल गोल सा होता है, पर इसमें मैं वो मैगी वगैरह डाल के बनाना है, वो भी बहुत अच्छे से बनता है। ये देखिए इसको मिक्स कर दिया, थोड़ी देर इसको वैसे रहने देते हैं और हमारे ये बनके रेडी हो गई। अच्छा ये दुकान वाली लंबी होती है, जो खुली वाली लेते हैं वो छोटी छोटी होती है। ये देखिए ये काफ़ी लंबी है। और ये देखिए मैंने बोला था ना वंशिका को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, सोना को पसंद नहीं है। देखो टिफ़िन लेके आ गई, जितना चाहिए वो अपनी मर्ज़ी से रख लेंगी। तो चाहिए ये टिफ़िन पैक ने अपने टिफ़िन में रखे, खोल के ही रख दें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म है। गर्म गर्म ज़्यादा रखो और पता नहीं किस टाइम खाएं तो ख़राब होने का डर रहता है ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं ये कर दिया है, टिफ़िन रख दिया है। और चलिए वंशिका नहा के आ गई, और वंशिका के बाल मैंने खुद धोए थे, अपने हाथों से शैम्पू किया था क्योंकि वो शैम्पू करती हैं अच्छे से नहीं करती हैं। तो यहाँ पे बस सभी स्कूल में पिछली बार अच्छे से रेडी होके आए थे, वंशिका को मैंने नहीं कर पाया था। तो मैं वंशिका को अच्छे से क्या, बस कुछ नहीं लगाया, सिर्फ लाइनर और हल्का सा वो लगा दिए क्योंकि लाइनर से ना चेहरे का लुक चेंज हो जाता है। और देखना अभी वंशिका को दिखाऊंगी भी, तो अच्छा लगता है सब करके जाते। और अभी आपने गणेश विसर्जन पे देखा, सब ने अच्छे से रेडी हुआ था। मैंने वंशिका का मेकअप नहीं कर पाया था क्योंकि हो नहीं पाया था। और ये लाइनर बहुत पसंद है मुझे, ये तुरंत के तुरंत सूख जाता है, बिल्कुल भी नहीं फैलता है। तो बस लाइनर लगाया, थोड़ा सा फेस पाउडर लगाया बस। और हाँ ऊपर से मैंने चोटी आगे बनाई थी, फिर चोटियों को अंदर से घुसा के फिर हेयर स्टाइल बना, फिर मैंने चोटियों को गू दिया था, फिर पीछे जाके दो चोटियों को करके पीछे रबड़ लगा दी, जिससे पीछे दिल का शेप बन गया था। अभी देखना, और देखो आगे से इस तरीके की मतलब आजकल हेयर स्टाइलर्स पे फोकस किया जाता है ना, तो मैं कर लेती हूँ, मतलब सब कुछ मैं थोड़ा 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 कर लेती हूँ। तो ये इस तरीके का वंशिका का लुक हुआ। वंशिका भी खुश हो गई थी, थोड़ा सा हाइलाइटर लगा दिया है बस। और वंशिका अपने पापा पे गई हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। अच्छा आप बताना सोना वंशिका किस पे गई हैं, वंशिका पापा पे गई हैं, मेरी बात सही है या गलत है आप लोग कमेंट करके बताना। वंशिका एकदम से अपने पापा पे गई हैं, और वंशिका की थ्रेडिंग देखो एकदम से बनी हुई जैसी लगती है ना मेरी भी, सोना की भी। तो ये रहा वंशिका का लुक, कैसे कैमरे में देखे जा रही है। तो बस ये एक्स्ट्रा जो भी कुछ था वो मैंने हटा दिया है और बस रेडी हो गई है। और तो आपने देखा नॉर्मली कुछ नहीं करते, पर अच्छा लगता है। देखो वो मस्कारा लगाया ना, थोड़ा सा मस्कारा नीचे गिर गया था, और बैग लेके नहीं जाना है। बस सोना का जो पुराना वाला बैग है वो मैंने धो दिया था, वो ऐसी चीज़ों के लिए ठीक रहता, बड़ा बैग लेके जाओ अच्छा नहीं लगता। तो उसमें पानी की एक बोतल रख देंगे और एक टिफ़िन चम्मच, बस ख़त्म हो गया। ये देखिए, तो चलिए मेकअप कैसा लगा अभी वंशिका आपको खुद दिखाएंगी। और वंशिका को ये हो रहा था बस लेट हो जाए, 7 बजे ही जाके स्कूल में बैठ जाए, उनका ये रहता है। और ये है वंशिका, छुट्टी उट्टी करने में बिल्कुल भी वो नहीं करती, उनको पढ़ाई वढ़ाई में वो रहता है, बस याद नहीं करने में वो करती हैं। वैसे तो सब चीज़ पे टाइम टेबल का अपना फोकस रखती है। और सोना स्कूल नहीं जाना चाहती हैं, वो घर में ही रहना चाहती हैं। तो चलिए भैया इतनी सारी बातें, मेरी तो बातें ही ख़त्म नहीं होती हैं। देखिए वंशिका ने बातें की हैं। हाय गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ आज? मैं जा रही हूँ स्कूल डांस प्रैक्टिस के लिए, बाय बाय। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। यहाँ पे ये वाला बैग दे दिया, मैंने बताया था ना, ये मैंने धो दिया था, और वंशिका रेडी हो गई है। इनको मैं छोड़ के आती हूँ क्योंकि छोड़ने तो जाना पड़ेगा। तो बस आपके कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और आज वंशिका वीडियो को एंड कर रही है, बाय।